दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा के बाद देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। वहीं छात्रों और शिक्षकों के साथ हुई इस घटना से कई फिल्मी सितारों ने आलोचना की है। सोशल मीडिया के अलावा बहुत सी फिल्मी हस्तियों ने जेएनयू के हिंसा के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में हिस्सा लेकर इस घटना का विरोध जताया है। वहीं मंगलवार रात को अभिनेत्री दीपिका पादुकोण दिल्ली स्थित जेएनयू कैंपस में पहुंची है इस हिंसा की आलोचना की। विश्वविद्यालय में फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी छात्रों के समर्थन में पहुंची हैं। इस दौरान जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी मौजूद रहे। जेएनयू छात्रों ने दीपिका के सामने आजादी के नारे लगाए। कन्हैया कुमार ने भी खूब नारेबाजी की। दीपिका पादुकोण कुछ देर जेएनयू में रुकने के बाद वहां से चली गई। हालांकि उन्होंने छात्रों को भी संबोधित नहीं किया, लेकिन जेएनयू छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने को उनका भारी पड़ गया। यही वजह है कि जेएनयू में जाते ही सोशल मीडिया पर उनकी आने वाली जपाक फिल्म का विरोध होने लगा है। जी हाँ, जेएनयू प्रदर्शन में शामिल होने के बाद सोशल मीडिया पर बायकॉट जपाक ट्रेंड चल रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स ने दीपिका के प्रदर्शन में शामिल होने की निंदा की है। भाजपा नेता तिजेंद्र सिंह ने बग्गा ने ट्वीट कर दीपिका पादुकोण और उनकी फिल्म जपाक का बहिष्कार करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग और अफजल गैंग समर्थन करने पर अगर दीपिका पादुकोण की फिल्म का बहिष्कार करेंगे तो रिट्वीट करें।